आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और लोगों की नौकरी ले जाएगा, ये तो आपने बहुत बार सुन लिया होगा। Robots are clearly replacing people's jobs. They're working 24/7. They're more efficient. लेकिन अब एक नया नरेशन चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में जितने लोग हैं ना उनका काम धंधा बंद कर देगा। मैंने सोचा क्यों ना एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया जाए और बात किया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार किस प्रकार से चीजों को बदलने वाला है और किस प्रकार से चीजें आगे चल के बदलेंगी स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट। वेल, सबसे पहली चीज तो आप इस चीज को समझिए, देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा 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 की बात चल रही है, नेसेंट फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी आ चुका है। सिंपल सी अगर आपके मैं एक चीज बताता हूं कि जब आप अपने सेलफोन से किसी को टेक्स्ट करने की कोशिश करते हो तो अचानक से एक चीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की को छोड़ के आ रहे हो तो आप लड़की को टाइप करते हो आई एम लीविंग यू, मैं आपको छोड़ के आ रहा हूं, अचानक से एक ऑटो करेक्ट हो जाता है, वो लविंग लिख देता है, जिसके चक्कर में लड़की आपको एक झापड़ मारती है। ये ऑटो करेक्ट हुआ कैसे? एक तरीके का नेसेंट स्टेज पे अर्ली स्टेज एआई ने ही तो किया है, ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने प्री कंसीव्ड प्रोग्राम के बेसिस पे आप उसको क्या कहना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज है जो हल्ला मचा के रखा हुआ है चैट जीपीटी एआई, कुछ चीजें ऑलरेडी आ चुकी थी। यस, ये चीजों की तीव्रता बढ़ा देगी लेकिन स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। स्टॉक मार्केट का एक प्लेयर ब्लैक रॉक, जिसके बारे में हमने एक बहुत बढ़िया वीडियो पहले बनाया हुआ है अपने चैनल पे, देखा नहीं है तो चेकआउट कीजिएगा। तो ये ब्लैक रॉक जो है, इसकी पूरी जीडीपी रशिया यूक्रेन ब्राजील रशिया यूक्रेन बिफोर वॉर इन सारे की जीडीपी मिला दो तो भी उससे ज्यादा एसेट ब्लैक रॉक के पास है। एज आई टॉक करीब करीब 19% दुनिया भर के एसेट अगर मैं देखूं तो ये इनके पास, तो ऐसे ही हार्डकोर है, कहीं ना कहीं हर चीज पे इनका कंट्रोल है। आप जो भी टूल जो भी डिवाइस यूज करते हो इनडायरेक्टली इन लोगों को पैसा मिलता है। तो ये जो ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक के पास इतना सारा पैसा है, तो इनके पास जो एक प्रोडक्ट है अलादीन, तो अलादीन तो एआई टूल ही यूज करता है ना, क्योंकि इसके पास इतने डेटा पॉइंट्स है कि ये दुनिया भर का कैलकुलेशन निकाल के बता देता है कि सामने वाले को ट्रेड क्या करना है, इन्वेस्ट कहां करना है। तो पहली चीज ये वाली चीज ऑलरेडी है। एक चेंज जरूर होगा, वो होगा स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज के वैल्यूएशंस होंगे वो बदल बदल के बिल्कुल टॉप लीडिंग कंपनीज में काफी सारी टेक कंपनीज आ जाएंगी अगर एआई डोमिनेंट हुआ, और ये ट्रेंड हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। 1999 की अगर मैं बात करूं, यूएस जहां से टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन चालू हुआ था, तो उस समय पर माइक्रोसॉफ्ट और उसके अलावा सिस्को, ये बड़ी टेक कंपनीज टॉप 10 टॉप 20 में रहती थी। इसके अलावा एक्सॉन मोबिल और बाकी सारी एनर्जी कंपनीज या फिर यूएस स्टील, इस तरह की कंपनी डोमिनेट करती थी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो चाहे नाम से हो। लेकिन धीरे धीरे करके ये ट्रेंड बदला। ट्रेंड कैसे बदला? जब .com बबल के समय पे बात कर रहे थे तो चाइनीज बैंक माइक्रोसॉफ्ट एप्पल ये सारे डोमिनेट कर रहे थे, और आज के समय पे आप यूएस मार्केट देखते हैं तो सारे टॉप लीडिंग हो गए टेक कंपनीज। अब जाहिर सी बात है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के और बढ़ेगा तो यहां पर भी काफी ज्यादा तवज्जो इन कंपनीज का बढ़ जाएगा और टेक कंपनीज काफी ज्यादा इस चीज को ये करेंगी। अब ये टेक कंपनीज कौन सी होंगी? पहली जो फिनटेक के थ्रू चलेंगी और दूसरी जो आएंगी ब्लॉकचेन के थ्रू। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि भैया फिनटेक, इसका मतलब क्या बैंक्स बंद हो जाएंगे? नहीं, हमारे देश में रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग है, जैसे कि आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो वो इतनी ज्यादा रेगुलेटरी टाइट फ्रेमवर्क रखती है कि वो सबको इंश्योरेंस नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल हाल फिलहाल में करीब करीब 185 फिनटेक कंपनीज ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से मात्र 38 को सिलेक्ट किया गया है और हाल फिलहाल में उसमें से भी 3-4 को कैंसिल कर दिया गया है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारे देश में जो आरबीआई को ट्रस्ट रहेगा वह एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम पे ही रहता है, तो ये जो फिनटेक कंपनीज भी आएंगे इनको कोलैबोरेशन के साथ आना पड़ेगा। नियो बैंक्स का जैसे कंसेप्ट आया था तो उनने भी क्या किया था, उन्होंने कोलैबोरेट करके ये चीज करी थी। तो आपको ये चीज समझनी ये है। बात करें स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में तो खतरनाक वाली चीजें हो रही है, लेकिन एक चीज बिल्कुल जो आपको सेफ्टी के साथ रख सकती है वो रहेगी, जो कभी भी आगे चल के चेंज नहीं करेगी, एक गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। और ये वाली चीज अगर आपको खुद से नहीं आता कि हम कैसे करें और आपको निवेश करना है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर डेडली कॉम्बिनेशन बनाना ना कि थोड़ा सा कमोडिटी भी मिल जाए, थोड़ा सा डेट भी मिल जाए, थोड़ा इक्विटी, तो ऑल
वेदर इन्वेस्टिंग का जो स्मॉल केस है वो सबसे तगड़ा है, प्रूवन है। मार्केट में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत तगड़ा चलता है। CAGR भी बहुत तगड़ा चलता है। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप लोग कर सकते हो। बहुत ही शानदार CAGR है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और बहुत ही तगड़े रिटर्न भी है कम अमाउंट में। तो ये चीज नहीं बदलेगी, लेकिन बदलेगी क्या? बदलेगी सोच ऑफ ट्रेडिंग हेज फंड्स। हेज फंड्स पे भी बहुत तगड़ा अपना प्लेलिस्ट है, जो इंस्पायरिंग ट्रेडर्स वाली सीरीज है ना, जाके देखिएगा। अब मैं एक इंटरेस्टिंग कैच बता दूं किस प्रकार से, और ये ऑलरेडी होने लग गया है, 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूं। अभी क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक कंपनी का CEO है, कंपनी का CEO आके अपनी कंपनी के रिजल्ट्स बताना चाहता है। तो रिजल्ट्स आने के बाद कंप्यूटर्स अपना कैलकुलेशन करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसके हिसाब से ऑर्डर्स पंच हो जाते हैं। लेकिन आप पता है, रिजल्ट आने के पहले पंच होने लगते हैं। कैसे? कुछ हेज फंड्स ने AI और मशीन लर्निंग के थ्रू इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है कि CEO अगर खड़ा हुआ है, CEO खड़े होते होते अगर ऐसा देखता है और उसके बाद रिजल्ट्स बोलने लगता है, तो इनके AI कैलकुलेट कर लेते हैं लास्ट 30 क्वार्टर में जब भी CEO ने ऐसा देखा है, या फिर इस तरह का बॉडी लैंग्वेज है, या जब भी उसने कोई एक स्पेसिफिक वर्ड बार बार बोला है, तो इसका मतलब उसने रिजल्ट्स बेकार बोले हैं। तो इवन बिफोर ही इज अनाउंसिंग द रिजल्ट्स, ऑर्डर पंच हो जाते हैं शॉर्ट सेल की तरफ। मतलब बिहेवियर को स्टडी करने के बाद स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पुराने बिहेवियरल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके ऑर्डर पंच कर रही है। मतलब तौबा तौबा, क्या क्या देख के हो रहा है। इतना ही नहीं, AI एक अलग लेवल पे हेज फंड्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग और AI। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में हमको शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो हमको दो चीजें देखनी है, क्या? पॉलिटिकल सपोर्ट और दूसरा बारिश। AI वहां पर एडवांस में कैलकुलेट कर रहा है कि नाइजीरिया में अभी बारिश हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में अभी बारिश हुई थी, धीरे धीरे मानसून किस तरह खिसक रहा है, उस हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से बारिश मान लीजिए आएगी जुलाई में आने वाली है, जुलाई के चक्कर में खेती इतनी अच्छी नहीं होगी। वो अपना कैलकुलेट कर लेगी कि लास्ट 30 साल में जब भी जुलाई में बारिश हुआ है तो कितनी खेती हुई है, आजकल पोल्यूशन कितना बढ़ गया, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइसिंग क्या, पैरिटी क्या बढ़ गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सारा डेटा कैलकुलेट करने के बाद वो बोलेगी कि भैया शुगर स्टॉक्स तो XYZ इतना ही बढ़ेगा। साथ में वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लेगी कि अच्छा रशिया में ये हो रहा है, इसका मतलब इंडिया कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, इंडिया का टैक्स कलेक्शन इतना हुआ। ये सारा कैलकुलेशन करके इवन बिफोर द इवेंट विल हैपन आप 2 महीने पहले पोजीशंस बना लेते हैं। तो कहने की बात ये है दैट ऑलरेडी ये वाली चीज हो रही है। तीसरी चीज क्या होगी पता है, एक हाइप मचेगा। मुझे जो मैं कहता हूं ना, अंधाधुन हाइप पसता है, बिल्कुल दौड़ मच जाती है, ब्लाइंडलेस रनिंग जो होने लग जाती है वो होने लगेगी। कैसे, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो भाई, क्योंकि AI आए ना आए ये वीडियो जरूर आएंगे अगर आप टाइम टू टाइम लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। तो एक और चीज जो होगी वो होगी कंपनी जबरदस्ती AI में घुसेंगे, जबरदस्ती टेक कंपनीज। आप लोगों को बता दो कि ये जब ब्लॉकचेन क्रिप्टो का माहौल चल रहा था, तो जबरदस्ती काफी सारी कंपनी ना अपने नाम के बीच में ब्लॉकचेन लगा दे रही थी, और जो भी कंपनी लगा रही थी वो एवरेज 300-400% ऊपर भाग जा रही थी। सेम .com बबल में क्या हो रहा था कि एक कचरा उठाने वाली कंपनी थी, उसने सोचा कि भैया हर जगह टेक 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 एंड सर्विसेज चल रहा है, उसने बस अपने कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेज के अपने सामने टेक और सर्विसेज लगा दिया। लोगों ने ये भी नहीं सोचा वो कंपनी किस चीज की है, 300% ऊपर भाग गई। तो आपको ये चीज समझनी, ये वाली चीजें तो बहुत होने वाली है। तो आगे चल के ना जबरदस्ती की यस वी आर डीलिंग विद AI, यस वी आर डीलिंग विद AI, ये वाली चीज हो जाएगी। नेक्स्ट एक एडवांसमेंट होगा इन्वेस्टर्स के लिए, रोबो एडवाइजर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, जो आपको केवल रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से बताते हैं, एलोकेशन करके बताते हैं, उनकी नौकरी थोड़े खतरे में होगी अगर उनने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, बिकॉज रोबोट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं काफी सारी ब्रोकिंग कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इस चीज पे वर्क कर रही हैं, जो ऑलरेडी लाके आ चुकी है काफी सारी ये चीजें। तो वो क्या करेंगे, रोबो आपका बताएगा अच्छा आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये है, सारे 10-20 सवाल पूछेगा, उसके हिसाब से आपको एक सोल्यूशन देगा कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो ये एक और चीज हो जाएगी। और एक चीज जो मुझे लगता है वो बढ़ जाएगी वो होगी स्पूफिंग। इंस्पिरेशनल ट्रेडर वाली प्लेलिस्ट आप देखिएगा, उसमें हमने बात करा एक फ्लैश क्रैश वाली कहानी का, जहां पर कि कैसे एक इंडियन ने US में बैठे बैठे $50 million तो ऐसे ही कमा लिए थे पूरे US मार्केट को हिला के, एक बंदे ने अपने घर पे बैठे बैठे हिलाया हुआ था।
तो स्पूफिंग में क्या होता है, आप अचानक से ऑर्डर डालोगे बहुत सारे बाइंग के, फिर अचानक से हटा दोगे, तो बाइंग के ऑर्डर्स देख के काफी सारे एल्गोस और बाकी सिस्टम को लगेगा बाइंग आ रही है तो वो बाय करेंगे, लेकिन आपने नीचे लगाए हुए बाइंग और अचानक से आप हटा देते हो तो आपका बाय तो एग्जीक्यूट नहीं हुए, बाकियों के बाय एग्जीक्यूट हो गए, आपने नीचे से बाय करके रखा होता। अब जब ये धनाधन धनाधन कंप्यूटर बाय सारे कर दे रहे हैं, आप एग्जिट कर लेंगे, तो ये स्पूफिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन एक और अच्छी चीज हो जाएगी, वो होगी फ्रॉड डिटेक्शन। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जब एनालाइज करते तो वो समझ नहीं पाते, वो DHFL में फंस जाते, वीडियोकॉन में फंस जाते। आज ऑल दो कुछ टूल्स है लाइक टिकर टेप है, स्क्रीनर है, लेकिन तो भी वो समझ नहीं पाते। लेकिन अब AI के थ्रू क्या होगा, AI कुछ ऐसे मॉडल्स निकाल रहे हैं जिससे कि रिटेल भी इतना केपेबल हो जाए कि कुछ डेटा पॉइंट्स के हिसाब से पहले से निवेश करने से पहले वो निकाल सकता है कि क्या यहाँ पर फ्रॉड होने की ज़रूरत है या नहीं। रही बात जाते जाते, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि जॉब्स चले जाएंगी, जॉब्स चले जाएंगी, नहीं, जॉब्स अपग्रेड हो जाएंगी। आपको एक चीज़ समझनी है भैया, ये विधि का विधान है, ये हर बार होता हुआ है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आज से 100-200 साल पहले पानी उठाने के लिए लोग ऐसे करके लेके जाते थे, उनको पैसा दिया जाता था, बाल्टी में जो पानी लेके जाते थे उनको पैसा दिया जाता था कि भैया ये बाल्टी में पानी लेके जा रहे हैं। अचानक से फिर वो आ गया, हैंडपम्प आ गया, तो इनकी थोड़ी सी कमी हो गई। फिर हैंडपम्प के बाद पाइप आ गए, तो इनकी जो हैंडपम्प से पानी देते थे उनकी कमी हो गई। फिर पाइप के बाद बड़े बड़े पाइप स्ट्रक्चर्स बनने लग गए जिससे घर पर टैप वाटर आने लग गया, तो सिविल इंजीनियर्स और इन सारे लोगों की जरूरत पड़ गई। इवोल्यूशन होता है हर बार। सेम चीज है, जब कंप्यूटर आया सबने कहा कि सबकी नौकरी जाएगी, नौकरी उनकी गई जो मैन्युअली कैलकुलेटर से केवल सम्स करते थे, प्लस माइनस, या फिर वो जो डॉक्टर स्ट्रेन जैसे आजकल नहीं करते, वो क्या बोलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, अबैकस, अबैकस। तो ये सारे जो सिर्फ अबैकस पर डिपेंडेंट रहते थे या रहेंगे, वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो रिप्लेसमेंट्स होंगी, लेकिन नए जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। फॉर एग्जांपल, जब सोशल मीडिया आया तो ट्रेडिशनल जॉब भले ही थोड़ी ऊपर नीचे हुई, लेकिन सोशल मीडिया मैनेजर्स की जरूरत पड़ने लग गई, डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत पड़ने लग गई। इसी तरह से इवोल्यूशन होता जाएगा। जाहिर सी बात है, जो नॉर्मल सिर्फ टाइपिंग से कमाते थे शायद उनकी जॉब खतरे में, तो उनको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है अर्ली 1900s में या 1800s में आप जितने भी पुराने बैंक्स की फोटो देखेंगे US, UK, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, उनके दरवाजे बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े दरवाजे होते थे। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि एज ह्यूमंस हमारा ट्रस्ट हमेशा बड़ी और ग्रैंड चीजों पर बढ़ जाता है। अगर किसी के पास मर्सिडीज है, मतलब हम बाय डिफॉल्ट ये नहीं सोचते वो चोर होगा, हम सोचते हैं कि भैया बहुत पैसा वाला है, बहुत मेहनत करके इसने कमाई होगी। लाइकवाइज बड़ी बिल्डिंग से लोगों को ट्रस्ट आता तो इसलिए बैंक्स जाते थे। लेकिन गोइंग अहेड ट्रस्ट का फैक्टर क्या होगा? यूजर इंटरफेस होगा, किस प्रकार से बंदा मोबाइल पे इंटरेक्ट कर रहा है, कितना फ्रेंडली है, कितना अट्रैक्टिव है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, तो डिजाइनर्स का रोल इधर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो AI डेफिनेटली कुछ जॉब्स जो मैकेनिकल जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करेगा, लेकिन सारी चीजें नहीं। तो इतना पैनिक मत कीजिए, और स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की दुनिया में इसके क्या एप्लीकेशन होंगे मैंने जरूर बताया। डिस्क्रिप्शन में जाके स्मॉल केस को चेकआउट जरूर कीजिए, कुछ भी पसंद आए लाइक जरूर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।